हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y22 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्मार्ट स्विच सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्मार्ट स्विच सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग का, स्मार्ट कॉलिंग पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्विच का। इसके ठीक सामने जो बटन दे रखा है ना, इस बटन को टैप करना है तो बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी स्मार्ट स्विच सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जब भी आपके मोबाइल फोन पे कोई भी कॉलिंग कॉल आता है, ठीक है, और उस कॉल को अगर आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर ऑन करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है, स्पीकर ऑन करके बात कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने कान के पास लगा के नहीं, स्पीकर ऑन करके, ठीक है, तो आपको उस कंडीशन में करना क्या है, अपने फोन को हाथ में पकड़ना है, ठीक है, और अपने फोन को कान के पास ले जाना है, तो आपके जो मोबाइल फोन का जो स्पीकर ऑन है ना वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, आपके हैंडसेट में आपका वो कॉल स्विच हो जाएगा, ठीक है। आपको स्पीकर को अपने हाथ से बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने फोन को कान के पास ले जाना है, ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा आपके हैंडसेट में आपकी कॉल, ठीक है। तो ये सेटिंग जो ना इस तरीके से काम करती है आपकी इनेबल करने के बाद। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ना सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है स्मार्ट स्विच, ठीक है, जो सेटिंग का नेम है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा टाइप कर देना है इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट स्विच का, ये वाला, इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया सेटिंग को ढूंढने का।